हाय देयर, आज हम बनाएंगे एक बहुत ही यूनिक रेसिपी, चीज़ सिगार रोल, जिसको आपने पार्टीज में एज ए स्टार्टर खाया होगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। चलिए बनाना शुरू करें। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा, जिसमें मैंने डाला है सॉल्ट, थोड़ा सा ऑयल। अब हम इसकी एक सॉफ्ट डो बना लेंगे, जैसे हम चपाती के लिए बनाते हैं। उसके बाद इसको 15 से 20 मिनट तक के लिए गीले कपड़े से ढक के रख दें। 15 मिनट के बाद हम इससे इसकी सिगार रोल की शीट्स रेडी करेंगे। हम इसको छोटी छोटी चपाती जैसे बेल लेंगे, क्योंकि हमें इस शीट्स के लिए बहुत ही पतली लेयर चाहिए, तो हम इसको डबल रोल करके इसको बेलेंगे। मैंने इसमें लगाया ऑयल और सूखा मैदा, और उसके बाद इस पर दूसरी शीट रख दी है। अब हम इसको काफ़ी पतला बेल लेंगे। डबल करके बेलने से ये आसानी से बेल जाती है। अब नॉन स्टिक तवे पे बिना किसी ऑयल या घी लगाए इसको दोनों तरफ से सेक लें। इसको ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का हल्का इसको सेक लें। इस तरह से सारे चपातियों को आप सेक लें। 1 कप मैदे से 15 से 20 शीट्स बन जाती हैं। और उसके बाद इमीडिएटली इन लेयर्स को खोल लें। ये देखिए, ट्रांसपेरेंट और पतली बहुत ही अच्छी शीट बन गई है। वैसे ये शीट्स मार्केट में भी अवेलेबल होती हैं, आप वो वाली शीट्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको घर पर ही प्रिपेयर किया है। इन शीट्स को आप फ्रीज करके रख सकते हैं, आप जब चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में आप इसको रख लें, और जब भी आपको कुछ बनाना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसको कपड़े के नीचे रख दें, ताकि ये हवा लगने से सूखे नहीं। उसके बाद हम इसकी फिलिंग रेडी करेंगे। मैंने लिया है 1 कप पनीर और 1 कप मोज़रेला चीज़, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, और उसमें मैंने डाली है 1 टेबलस्पून पालक, जिसको मैंने ब्लांच करके सौते कर लिया है। पालक का टेस्ट इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन अगर आपको किसी वजह से पालक नहीं अवेलेबल है तो उसके बिना भी आप बना सकते हैं। इसके बाद मैं डालूंगी चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि पालक और चीज़ में भी सॉल्ट है, तो बहुत ही कम सॉल्ट इसमें डलेगा। ये हमारी फिलिंग रेडी हो गई है, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम अपने सिगार रोल्स तैयार करेंगे। शीट्स को हम एक स्क्वायर शेप में काट लेंगे, पिज़्ज़ा कटर से इसको स्क्वायर शेप दे लें। 2 या 3 शीट्स को आप इकट्ठा काट सकते हैं। आप इसको शार्प नाइफ से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। इसको स्क्वायर शेप दे लें और इसकी साइड्स को काट दें। ये जो साइड्स हैं, आप इसको बाद में फ्राई करके साथ में सर्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं खाने में। ये हमारी सिगार शीट्स रेडी हो गई हैं। अब हम इसमें फिलिंग डालेंगे। फिलिंग के लिए हम इसमें एक साइड पे थोड़ी थोड़ी फिलिंग डालते जाएंगे। मैदा से हमने एक स्लरी तैयार की है, जिसको चारों तरफ से लगा के सिगार रोल्स को सील कर लें, ताकि ऑयल इसके अंदर नहीं जाए। इस तरह से इसको दोनों तरफ से फोल्ड करें और टाइट टाइट रोल करते जाएं। पतले पतले सिगार रोल्स रेडी हो जाएंगे। एजेस पे जाके आप स्लरी दोबारा लगा दें, ताकि वो लॉक हो जाए। सारे सिगार रोल्स रेडी कर लें। और अगर आपके घर गेस्ट आने वाले हैं, तो आप पहले से बना के इसको फ्रीज करके रख सकते हैं, उनके आने पे आप फ्राई करके दे सकते हैं। इस तरह से सारे सिगार रेडी हो गए हैं। अब हम इसको हॉट ऑयल में फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक आप इसको फ्राई कर लें। ये बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, देखने में तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस तरह से सिगार रेडी हो गए हैं। मैंने इसको हनी चिली सॉस के साथ शॉट ग्लासेस में सर्व किया है। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, खाने में भी बहुत मज़ेदार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने कमेंट्स में साथ शेयर कीजिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।